दिस इज न्यू इंडिया, ये पुराना वाला इंडिया नहीं है जो गल्फ की टीम्स के अगेंस्ट 3-0, 4-0, 5-0 हारे। वॉट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर टीम इंडिया। यस हम हार गए, बट वॉट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर लैड्स। आई एम सुपर प्राउड ऑन दिस बैच। मतलब जो आज परफॉर्मेंस दिखाई आज हमारी टीम ने, वो भी सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन मिला है इंडियन फुटबॉल टीम को, एंड आज हमने उस सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन के बावजूद ईट से ईट कड़का दी। हमने आज इराक के प्लेयर्स के नाकों में हमने दम कर दिया। मतलब वो खुद हैरान हो गए थे, भाई सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन मिला इंडियन टीम को, 2 दिन का कैंप मिला और ये इंडियन टीम कैसे खेल रही है। ये इगोर सीमैच की मेंटेलिटी जो डाली है उसने, मतलब इट्स कमेंडेबल जॉब जो इगोर सीमैच कर रहे हैं इस टीम के साथ। एंड ठीक है हम हार गए, पेनल्टीज पे हारे हैं, कीप दिस इन माइंड, हम सिर्फ पेनल्टीज पे हारे हैं। 2 बारी हम इराक जैसी टीम के अगेंस्ट लीड ले चुके थे एंड इराक ने हमारे को ओपन प्ले से कोई भी गोल नहीं मारा इस मैच में। 2 पेनल्टीज उन्होंने हमारे को 90 मिनट्स के अंदर मारी, इक्वलाइजर वाली दोनों पेनल्टीज, एंड फिर उन्होंने हराया भी पेनल्टीज पे है। कितनी बड़ी ये एक चीज है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, हम उस टीम के अगेंस्ट पेनल्टीज पे हारे हैं सिर्फ, जो कि हमारे लिए एक हवा बन चुकी थी। जिडान इकबाल हो रहा था, रेड कार्ड लेके चला गया था वो, कुछ बस का नहीं था उसके आज। मिडफील्ड नहीं ऑपरेट कर पा रही थी इराक की टीम। एक टाइम पे हमारी पूरी की पूरी जो डिफेंसिव ट्रांजिशन था हमारा इतना स्मूथ था कि विंग्स पे रिलाई करना पड़ रहा था इराक की टीम को। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इस बॉल पोजेशन का जो हमारे पास आ रही है इतनी ज़्यादा, हम उसका करें क्या। एंड वो महेश का 1-2 विद सहाल, एंड वो जो लिंकअप प्ले था आशिक करूनियन थापा, वॉट अ गेम फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ इस हार से। ठीक है हम इस गेम के प्रबल दावेदार थे विक्ट्री पाने के, एंड मेरे को कोई उसमें दोहराई नहीं है कहने में कि हम ज़्यादा बड़ी टीम थे इस मैच में अगेंस्ट इराक। हमारी जो परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ में, डर गई थी पूरी की पूरी इराक की टीम। अगर देखा जाए तो उनके स्ट्राइकर्स को बॉल ही नहीं मिल रही थी, हड़बड़ा रहे थे उनके स्ट्राइकर्स कि कैसे हम फाउल्स जीते अगेंस्ट झिंगन एंड अनवर अली। यार ही इज़ द डील, ही इज़ द प्लेयर फॉर द फ्यूचर। वॉट अ गेम अगेन फॉर अनवर अली एंड आकाश मिश्रा। यार सल्यूट मैन, सल्यूट टू दैट मैन, क्योंकि ब्रोकन हैंड के साथ वो खेला है अपने आज, हाथ पे पट्टिया बांध के वो भी, एंड लग नहीं रहा था कि आकाश मिश्रा खेलेगा, एंड क्या उसने फिर से ड्यूटी निभाई है अपनी उस पूरे विंग पे। आशिक करूनियन लुक लीथल, ठीक है उसकी फिनिशिंग पे थोड़े डाउट्स रहेंगे, बट वो पहला गोल क्या गोल था यार, एंड वो ट्रूली डिजर्व गोल था हमारा, क्योंकि उससे 5-10 मिनट पहले हमारे पास अच्छी पोजीशन रोटेट हो रही थी, हमारे 1-2s अच्छे बन रहे थे, हम जो प्रेशर से निकलने वाली सिचुएशंस है उससे काफ़ी अच्छा टैकल करना सीख रहे हैं अंडर इगोर सीमैच, एंड आज हमने फिर से दिखाया। जब भी हमारे पास पासिंग के इतने ऑप्शंस नहीं होते, हम सिर्फ एक पास निकालते हैं, 1-2 बनता है एंड वी आर थ्रू ऑन द अटैक। दिस इज समथिंग एल्स वी आर लुकिंग फ्रॉम अवर इंडियन फुटबॉल टीम। ऐसी फुटबॉल आई डोंट थिंक कि हमने इंडियन फुटबॉल से पहले कभी देखी है, नहीं देखी। आज जो हमने फुटबॉल देखी है ऐसी हमने कुवैत के अगेंस्ट भी नहीं देखी थी, जो हमारा फाइनल था सैफ चैंपियनशिप का, उससे भी बढ़िया हमने आज फुटबॉल खेली है। वहाँ पे तो उस मैच में कुवैत ने हमको काफ़ी डोमिनेट भी करा था, बट यहाँ पे तो इराक कुछ कर ही नहीं पा रही थी। इराक ने फर्स्ट हाफ में तो एक भी चांस नहीं बनाया, जो उनको पेनल्टी मिली इट वाज अ क्लियर पेनल्टी, जो पहली वाली थी संदेश झिंगन का जो हैंड था वो काफ़ी ज़्यादा वाइड था, तो उसमें डेलिब्रेट टच हो या ना हो मायने नहीं रखता। अगर आपका हैंड इतनी ज़्यादा दूर है आपकी बॉडी से तो इट्स अ क्लियर पेन, एंड अच्छी पेनल्टी थी वो इराक के प्लेयर की। बट फर्स्ट हाफ में उसके अलावा कोई चांस नहीं बना, एक जो डायरेक्ट फ्री किक मारी थी जो क्रॉस बार पर लगी थी साइड पर, बस एक वही चांस था फर्स्ट हाफ में, बट इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस फॉर इराक नेशनल टीम। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हम इस इंडियन टीम का डिफेंस तोड़ पाए। हमारा डिफेंस लाइन यार, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू ब्रेक अवर लो ब्लॉक। अगर हम एक बार लो ब्लॉक में आ जाते हैं तो हमारे एंटिसिपेशन इतनी अच्छी है हमारे डिफेंस लाइन की, चाहे मैं पीछे जिक्सन सिंह की बात करूँ जो कि एट टाइम्स हमारे 5 एट द बैक के रोल में आ रहे थे। जिक्सन सिंह की 1 हेल ऑफ अ ड्यूटी थी आज। डिफेंसिव मिडफील्डिंग की अगर मैं बात करूं तो संदेश और अनवर को इतना अच्छा पता है कि कब मैन को मार्क करना है, कब एंटिसिपेट करना है हमने उसका रन, कब उसके ऊपर हमने एकदम से टैकल मारना है।
मतलब इतनी मैच्योरिटी है हमारे डिफेंस के जो सेंटर बैक्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो वन हेल ऑफ अ गेम फॉर गुरप्रीत सिंह संधू एज वेल। दोनों पेनल्टीज जो उन्होंने रेगुलेशन टाइम पे कंसीड करी गुरप्रीत सिंह संधू ने, बिल्कुल सही उन्होंने जजमेंट करी थी। बट इफ्स एंड बट्स वाली पेनल्टी थी, 19-20 अगर वो पेनल्टी की शॉट्स इधर होते तो हम सेव भी कर सकते थे। एंड वो सेकेंड गोल कैरियस की याद दिला दी मेरे को, जो लिवरपूल में उसने हाउलर करे थे लॉरियस कैरियस ने, बिल्कुल जो सेकेंड गोल कंसीड करा आज इराक की टीम ने। बट इराक डरा दिया भैया हमने उनको, कुछ भी कहो, ये आज जो हमारी एक लॉस है ये भी एक हिस्टोरिक लॉस है अपने आप में ही, क्योंकि इतना अच्छा हम इराक के अगेंस्ट खेलेंगे आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोगों ने सोचा होगा। ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा था कि पोजेशन में आउटप्ले करेगा हमारे को इराक, विंग्स पे हमारे को आउटप्ले करेगा, मिडफील्ड जो कि इतना उनका स्टडेड है विद जिडान इकबाल, ठीक है वो बेंच से आया बट बेंच के बाद भी वो अपना कुछ कर ही नहीं पा रहा था, वो गेम में आ ही नहीं पा रहा था जिडान इकबाल, फ्रस्ट्रेट हो गया था जिडान इकबाल, जिसकी वजह से उसको कोहनी मार के रेड कार्ड लेना पड़ा। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर इराक फुटबॉल टीम, एंड एट फर्स्ट उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इंडियन टीम ऐसे हमारे ऊपर चढ़ के आएगी। अगर मैं बात करूं इगोर सीमेंच की, तो एक बार फिर से उसने ऐसी लाइनअप उतारी जो कि अटैकिंग लाइनअप थी, वो नहीं गया दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स के साथ, वो अटैकिंग लाइनअप के साथ गया। एंड फ्रॉम द फर्स्ट विसल, फ्रॉम द फर्स्ट मिनट इट वॉज ऑल ओवर इराक। अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम ने यार आज दिखाया कि हम पहले वाले इंडियन टीम नहीं है, हम अच्छे कॉम्बिनेशन प्ले भी बनाएंगे, अच्छी तरह हम विंग्स पे भी एक्सप्लॉइट करेंगे, एंड दैट टू विदाउट सुनील छेत्री एंड चांगटे। हमारा आज 50% अटैक था ही नहीं, हमारे को नहीं उम्मीद थी आज मनवीर से और रहीम से इतनी ज़्यादा, रहीम अली से, बट मनवीर और रहीम अली काफ़ी अच्छा आज खेले, वो एक्सपेक्टेशन से आज उन्होंने अबव एवरेज एक परफॉर्मेंस दी। एंड वॉट अ गेम फॉर टीम इंडिया यार, ऐसी अगर एक हार आ भी जाए तो आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा ब्लंडर है इंडियन टीम के लिए, बट आज जो हमने खेला है इट्स अ लॉस फॉर द एजेस फॉर टीम इंडिया। ऐसी विक्ट्री हमारे लिए होती अगर ये मिल जाती हमारे को, जो सेकंड पेनल्टी थी वो नहीं थी यार, वो पेनल्टी नहीं थी, उस पर संदेश झिंगन कुछ नहीं कर सकते थे, प्लेयर उनके पीछे था कुछ नहीं कर सकते थे, बट इतना तो पकड़ना चलता ही है यार, तुम कोई बारबी डॉल तोड़ना हो के इतना भी तुम्हारे को प्लेयर ना पकड़ेगा। बट थोड़ी सी रेफरिंग और अच्छी हो सकती थी, VAR तो था नहीं इसमें कि ज़्यादा हम उस पर डिबेट कर पाए, बट वन हेल ऑफ अ गेम फ्रॉम टीम इंडिया, वो भी अवे सॉइल पे जाके, सबसे बड़ी बात ये है अवे सॉइल पे जाके अगेंस्ट द 70th रैंक आज हमने घोड़े खोल दिए उनके। आज अगर ये विन हो जाती तो बहुत ही मॉन्यूमेंटल एक विन होती इंडियन टीम के लिए, बट लेट्स सी कि अब हमारे को थर्ड प्लेस के लिए कौन मिलता है, क्या वो थाईलैंड है, क्या वो लेबनान मिलेगी हमारे को, लेबनान मिले अगर हमारे को तो काफ़ी एक अच्छा ओपोनेंट रहेगा क्योंकि हम उनको खेल चुके हैं, बट अगर थाईलैंड भी मिले तो हम उनको प्रीवियस 2 मीटिंग्स में हम हरा चुके हैं ऑब्वियसली, बट दिस इंडिया इज स्केरी मैन, दिस इंडिया कैन गिव टो टू टो फाइट अगेंस्ट कतर एंड कुवैत इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। यू बेटर वेट एंड वॉच, दिस टीम इज मिराक्यूलस एंड दिस कोच शुड बी गिवन टाइम। सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन के बाद अगर हम ऐसा खेल सकते हैं तो सोचो 3 हफ्ते का अगर हमारे को टाइम मिल जाता, 2 हफ्ते का टाइम मिल जाता तो ये इगोर सीमेंच की टीम आज हो सकता है किंग्स कप के फाइनल में होती, एंड फिर जो वायरल होती आज की हमारी विक्ट्री वो एक अलग ही लेवल पे वायरल होती। बट आई एम सुपर प्राउड ऑन दिस बॉयज, बट लेट्स सी थर्ड प्लेस के मैच में हम कैसा करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, एंड ऐसी मैचेस अगर हमारी टीम इंडिया खेलेगी यार तो आई एम श्योर कि और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमारी फुटबॉल के साथ और जुड़ती रहेगी। शेयर करो यार, शेयर करो, ये विक्ट्री से कम नहीं है, ये लॉस भी हमारे लिए, हमने 2 बारी लीड लिया अगेंस्ट इराक एंड इराक ने हमको गोल नहीं मारा ओपन प्ले से, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मॉन्यूमेंटल बात है इंडियन फुटबॉल के लिए कि हम 99th प्लेस पे थे एंड हम 70th रैंक की टीम के अगेंस्ट टो टू टो फाइट दी हमने उनको फुल 90 मिनट्स। शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, फैलाओ लोगों के पास, पता चले कि हमने आज कितनी अच्छी गेम खेली अगेंस्ट इराक। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।